इंस्टाग्राम रील्स पर हम न्यू फिल्टर कैसे ऐड करें, आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। और दोस्तों ऐसे फिल्टर्स के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों जो बड़े बड़े क्रिएटर अपने वीडियो में यूज करते हैं दोस्तों। तो एक फिल्टर के बारे में नहीं बताने वाले हैं, नहीं दो फिल्टर के बारे में बताने वाले दोस्तों, मैं 6 फिल्टर के बारे में बताने वाले दोस्तों। और ये 6 फिल्टर बड़े बड़े क्रिएटर अपने वीडियो में इस फिल्टर को यूज करते हैं दोस्तों, तो आप सभी अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो सीखने के लिए आप सब इस वीडियो पर बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले इस भाई का नाम जान लीजिए। तो मैं हूं आप सबका दोस्त रुपेश राज ठाकुर और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों ऑनलाइन टेक्निकल हेल्प चैनल। तो आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर नहीं तो चैनल को जल्दी से लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे के निशान ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जानकारी आप सबको मिलता रहेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 99% वीडियो को वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे के निशान ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को आप सब देखते रहिए, हम चलते हैं अपने मोबाइल के इस स्क्रीन पर। तो हम आगे हैं मोबाइल के इस स्क्रीन पर। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों अपने इंस्टाग्राम रील्स इफेक्ट्स में हम 5 से 6 न्यू फिल्टर्स कैसे ऐड करें दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन आप जैसे करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना है, ठीक है। आपके कोने में आपका फोटो दिख जाएगा, आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज खुलता है। तो उससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप सब मुझे फॉलो कर लीजिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस का आइकन, तो आपको क्या करना है, प्लस वाला आइकन पर आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए मैं प्लस वाला आइकन पर कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद आपको क्या करना है, रील पे कर देना है क्लिक। रील पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मेरा फेस आ गया दोस्तों, कैमरा का ऑप्शन खुल गया दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ इफेक्ट पे आपको कर देना है क्लिक। इफेक्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारा आपको इधर नीचे इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसे मैं थोड़ा यूज कर आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये भी इफेक्ट है दोस्तों, तो लेकिन ये सब बेकार है, ठीक है। तो नया इफेक्ट इसमें कैसे ऐड करें दोस्तों, 5 से 6 इफेक्ट, चलिए मैं बताता हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसे दोस्तों थोड़ा सा साइड कर देना है, ठीक है। आपको इसे साइड करना है। साइड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सर्च वाला आइकन में आ जाना है सबसे लास्ट में, ठीक है। आपको इस पर कर देना है क्लिक। तो चलिए इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारा फिल्टर्स आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं बताता हूँ आप उसी फिल्टर्स को यूज कीजिएगा, नहीं तो आप इसमें से देख सकते हैं आपको अगर कोई फिल्टर्स अच्छा लगेगा तो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सर्च वाला आइकन पर आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए इसमें मैं कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सर्च करना है दोस्तों ग्लो अप, ठीक है। चलिए मैं सर्च करता हूँ ग्लो अप, ठीक है। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये ग्लो अप का सारा फिल्टर्स, ये सब फिल्टर्स है दोस्तों, ठीक है। ये सारे फिल्टर्स आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैं बताऊंगा वही यूज कीजिएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है, ठीक है, नीचे आ जाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला ग्लो अप दिख रहा है तो आपको इस वाला इफेक्ट को चूज कर लेना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ डाउनलोड का एक आइकन दिखेगा, आपको इस पर कर देना है क्लिक। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर से दोस्तों आपके रील वाला इफेक्ट में ऐड हो चुका है दोस्तों। और आप यहाँ से इस फिल्टर को यहाँ से ट्राई भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्लिक कर ट्राई भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा ट्राई कर आप सबको दिखा देता हूँ। तो अभी देख सकते हैं अभी मेरा फेस कैसे आप सबको दिख रहा था, अभी ये ग्लो अप वाला न्यू फिल्टर से दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैसा मेरा फेस अब देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये एक दोस्तों फिल्टर्स ऐड हो चुका है आपके रील वाला इफेक्ट में दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसे बैंक आ जाना है, फिर नए वाला फिल्टर आपको यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो नए वाला चलिए फिल्टर को मैं सर्च करता हूँ दोस्तों। तो मैंने सॉफ्ट जैसे लिखकर सर्च किया, आप देख सकते हैं बहुत सारा फिल्टर्स आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चलिए मैं ये वाला फुल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। आपको इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों, और सेव करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा डाउनलोड पे। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका ये फिल्टर ऐड हो गया दोस्तों आपके इफेक्ट में दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक कर इससे भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं बाएं आ जाता हूँ, फिर मैं अब तीसरा दोस्तों इफेक्ट आपको बताता हूँ, वो है दोस्तों क्या दोस्तों, ब्लिस लिख कर सर्च कीजिएगा।
तो आप देख सकते हैं ये आगे दोस्तों ब्लीच, तो आपको क्या करना है ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे भी सेव कर लेना है यहाँ क्लिक कर कर। तो चलिए इसे मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ से बैंक आ जाता हूँ दोस्तों। ये तीन हो गया दोस्तों, और चलिए चौथा है दोस्तों, एस्थेट हो गया दोस्तों। उसके बाद सर्च करना है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारा फिल्टर्स आ गया। तो आपको क्या करना है, ये वाला फिल्टर आपको चूज करना है, सेव करना है, ठीक है। तो चलिए इसे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करने के लिए फिर से डाउनलोड वाला आइकन पर क्लिक करना है। तो ये फिल्टर्स भी सेव हो चुका है दोस्तों, ठीक है। चार हो गया दोस्तों, पांचवा है दोस्तों रेड रोज, ठीक है दोस्तों। रेड रोज सर्च कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं रेड रोज आ गया। तो आपको क्या करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है। तो चलिए इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब फिर से इसे मैं यहाँ क्लिक कर कर सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से बैंक आ गया दोस्तों, पाँच हो गया दोस्तों, और छः दोस्तों रहा दोस्तों। अब दोस्तों छठा इफेक्ट हम सर्च करते हैं दोस्तों, अंडरलाइन, ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन, ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन आ गया दोस्तों। उसके बाद सर्च कीजिएगा, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो फिर से आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव करने के लिए इस फिल्टर को आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, ये दोस्तों फिल्टर सब सेव हो चुका है दोस्तों। मैंने कितना फिल्टर्स बताया दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने छः फिल्टर बता दिए दोस्तों, ठीक है। ये सारे सब ऐड हो चुके हैं दोस्तों आपके आपके रील्स इफेक्ट में। तो चलिए यहाँ से मैं बैंक आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं अब यहाँ से मैं बैंक आ गया दोस्तों। उसके बाद आपको इधर फिर से बैंक आ जाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारे फिल्टर्स अभी अभी नए नए आए हैं दोस्तों, ग्लो अप। आपको यहाँ फिल्टर का नाम भी दिख जाएगा दोस्तों, ग्लो अप। दूसरा दोस्तों सॉफ्ट, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट कैसे मेरा चेहरा आप दिख रहा है दोस्तों। दूसरा और तीसरा रहा दोस्तों ब्लीच फ्रॉम, ठीक है दोस्तों, ब्लीच ये तीसरा है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों एस्थेट, ठीक है दोस्तों, एस्थेट ये तीसरा है कि शायद तीसरा है, नहीं चौथा है दोस्तों एस्थेट। और पांचवा है दोस्तों रेड रोज, ठीक है दोस्तों। और छठा है दोस्तों अंडरलाइन दोस्तों। तो आप यहां से आराम से फिल्टर को यूज कर सकते हैं आप अपने वीडियो में दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सब सीख गए होंगे इंस्टाग्राम रील्स पर न्यू फिल्टर ऐड करना दोस्तों। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और हाँ दोस्तों ये छह फिल्टर के बारे में जानकर आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को जल्दी से लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटे के निशान ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जानकारी आप सबको मिलता रहेगा दोस्तों। तो अभी फिलहाल दोस्तों मैं स्टेशन पर हूँ, स्टेशन पर ही मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं मैं स्टेशन पर आकर ही वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब के लिए दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखिए और आप सब स्वस्थ रहिए। तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।